गुड मॉर्निंग। आज हम 10 फरवरी 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नैना तीवु द्वीप समाचारों में है यह किस देश में स्थित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह श्रीलंका में स्थित है, नैना तीवु द्वीप। याद रखना ये जो आइलैंड है, ठीक है, और कहाँ पर स्थित है, ये है, क्या ये रहा, नैना द्वीपी आइलैंड। ये आप लोकेशन देख सकते हैं एक बार, श्रीलंका का मैप है ये, ठीक है। श्रीलंका की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपी है। कैपिटल कोलंबो। श्री जयवर्धन कोट्टे पीएम महिंद्रा राजपक्षे, प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे। श्रीलंका अभी हाल ही में, श्रीलंका का एक रिसेंट डिसीजन है कि उसने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डील जो इंडिया और जापान के बीच में थी, ठीक है, उससे अपना जो है पुल आउट कर लिया है, पीछे हट गया है, ठीक है। और ये एक नई, जो अगर हम बात करें इंडिया के लिए, तो ये एक पहली नई बात नहीं है, इससे भी पहले श्रीलंका ऐसा कर चुका है कई डीलों से। अभी 2019 की बात है, जब कोलंबो पोर्ट टर्मिनल एग्रीमेंट, ठीक है, श्रीलंका ने क्लियर कर दिया था चाइनीज़ एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। उसने अपने जाफना पेनिनसुला के 3 आइलैंड्स को, ठीक है, वहाँ पर चाइनीज़ एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अलाउ कर दिया था। जबकि ये जो पोर्ट्स थे ना, वो तमिलनाडु कोस्ट से 50 किलोमीटर की दूर पर स्थित जो जाफना पेनिनसुला है, वहाँ के 3 आइलैंड्स को, ठीक है, वहाँ पर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए चाइना को अलाउ कर दिया था। 18 जनवरी को भी उसने इसी तरह का एक कैबिनेट, श्रीलंका की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था प्रपोजल, जिसमें वो इन्वॉल्व कर रहा था साइनोसॉर, ठीक है, इटिचन जॉइंट वेंचर चाइना का, ठीक है, कि वो वहाँ पर आकर चाइना के लोग, चाइना की कंपनी इंस्टॉल कर सकती है एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, कहाँ पर, नैना तीवु डेफ्ट और निदुन तीवु, ठीक है, और अनाट लिटुआ। मतलब ये ना एक पार्कवे में लोकेटेड कुछ आइलैंड्स हैं, वहाँ पर चाइनीज़ को, ठीक है, चाइनीज़ कंपनी को बुलाया है, मतलब इनवाइट किया है कि आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को। ये जो आइलैंड्स हैं वह कनेक्टेड हैं जाफना पेनिनसुला से, ठीक है, लिमिटेड एक फेरी सर्विस नौकाओ सर्विसेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस जगह पर स्थापित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख में इंडिया का पहला जियो थर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वह सेटअप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, सबके लिए एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट देना, ठीक है। ये जो समिट है वह 10 से 12 फरवरी को हुआ, ठीक है, 10 से 12 फरवरी को होगा, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। इसकी थीम जो है वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, याद रखना, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, बोला गया है टाटा ग्रुप को कि आप जो है वह काम स्टार्ट कर दीजिए सेटअप करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, मतलब लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूट ओपन किया जा रहा है इंडिया में, और उसे टाटा ग्रुप जो है वह स्टार्ट कर रहा है, और गुजराती गवर्नमेंट ने बोला है टाटा को कि आप स्टार्ट करिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। गुजरात के बारे में कुछ रीसेंट इवेंट, गुजरात ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में, फर्स्ट सी प्लेन सर्विस स्टार्ट हुई है यहाँ पर, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना स्टार्ट हुई है, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम चलाया गया है, इंटरसेप्टर बोट जो है वह कमीशन्ड की गई है, पहली लिथियम रिफाइनरी फैक्ट्री जो है वह लगाई गई है, कोटदा बादली ये प्लेस है गुजरात में, चांडी फेस्टिवल, चांडी पादवो फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है,
किसान सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है, आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर इन्हें भी इनॉग्रेट किया गया है। इनॉग्रेट इसी के साथ सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, जियोडेसिक एवियरी डॉम भी सेटअप किया गया है। सूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर स्थित है, रोपैक्स टर्मिनल स्टार्ट की गई है और जस्तान एरिया भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में ढेकिया जूली शहर खबरों में है, यह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है ढेकिया जूली शहर। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है इस मार्टायर टाउन को, शहीद जो टाउन है, ठीक है, वहाँ पर ढेकिया जूली की, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने आधारशिला रखी है दो मेडिकल कॉलेज की, ठीक है, और इसी के साथ रोड और हाईवे प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया है। ढेकिया जूली जो है वह क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो हुआ था उससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे छोटे सरीसृप गिरगिट की बुक्सिया नाना प्रजातियाँ किस देश में खोजी गई हैं? यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बुक्सिया नाना स्पेसीज ऑफ चैम्बलियन, ठीक है, सरीसृप गिरगिट, यहाँ पर गिरगिट की बात हो रही है, वर्ल्ड का जो स्मॉलेस्ट रेप्टाइल कहाँ पर मिला है? मेडागास्कर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये गिरगिट है, सरीसृप गिरगिट। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पीएम मोदी ने असम माला राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के लिए एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? और इसका सही आंसर है असम। असम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी विजिट किया है, वहां असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और इसीलिए वो रैली भी कर रहे हैं वहां पर, तो पीएम मोदी ने वहां पर इनॉग्रेट किया है असम मेला, ठीक है, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राष्ट्रपति ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कौंड डेरा सुबैया थिमैया को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यहाँ पर बात हो रही है कि कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कर्नाटक जो राज्य है वहाँ पर प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है एक म्यूज़ियम और जिसे डेडिकेट किया गया है जो फॉर्मर, ठीक है, जो पूर्व आर्मी चीफ जनरल, ठीक है, जिनका नाम था कौंड डेरा सुबैया और थिमैया, ठीक है, कौंड डेरा सुबैया थिमैया, इनको समर्पित किया गया है कर्नाटक का म्यूज़ियम। और इन्हें 1954 में पद्म भूषण सिविल सर्विसेज के लिए मिला था। इनके बारे में हम थोड़ा सा और भी जान लेते हैं, ठीक है, जो जनरल हैं कौंड डेरा सुबैया थिमैया, ठीक है, यह एक बहुत अच्छे मतलब डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर थे इंडियन आर्मी में, ठीक है, जिन्होंने सर्व किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट पर 1957 से लेकर 1961, ठीक है, क्रूशियल, और इन्होंने जब चाइना के साथ जब कन्फ्लिक्ट हुआ था 1962 में तब इन्होंने लीड किया था। ही वॉज द ओनली इंडियन टू कमांड एन इन्फेंट्री ब्रिगेड टू बैटल ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर ये एक अकेले इंडियन थे जिन्होंने कमांड किया था पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक अद्वितीय 16 अंकीय यूनिकोड जारी करने की प्रणाली का अनावरण किया है? यहाँ पर बात की जा रही है कि किस स्टेट में अभी हाल ही में अनवेल्ड किया गया है, ठीक है, अनावरण किया गया है जितने भी इश्यूज होंगे, ठीक है, लैंड होल्डिंग से रिलेटेड, उनके लिए एक 16 डिजिट का यूनिकोड मार्क दिया जाएगा, ऐसा किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एक सिस्टम जो इशू करेगा एक यूनिक 16 डिजिट का यूनिकोड जो मार्क करेगा लैंड होल्डिंग को स्टेट में। मेन पर्पस यही है कि जो केसेस हैं लैंड से रिलेटेड, जो जमीन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको चेक करना और उनको सॉल्व करना, और जो फेक रजिस्ट्री करवा लेते हैं लोग लैंड की, डिस्प्यूटेड लैंड की, उन सब पर ही जो है वह मतलब रोक लगाई जा सके। 1200 किलोमीटर लंबी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन किन देशों के बीच चलेगी? और इसका सही आंसर है जर्मनी और
और यूएसए, रशिया, एक बार हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है वह रशिया और जर्मनी के बीच में चलेगी। इसका सही आंसर है रशिया और जर्मनी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रशिया और जर्मनी के बीच में 1200 किलोमीटर की लॉन्ग नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो है वह रन करेगी। तो याद रखना रशिया और जर्मनी, ठीक है। ये अपना पूरी पाइपलाइन आप देख सकते हैं, ठीक है, रशिया से लेकर ये जर्मनी के बीच में, ठीक है। याद रखना, मैं भी थोड़ा भूल गई थी इसका, एक्चुअली मुझे यूएस और वो कन्फ्यूज़न हो गया था। रशिया और जर्मनी के बीच में जो है वहाँ ये नॉर्ड जो लाइन है, पूरी पाइपलाइन है, ठीक है, वह रन होगी। 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन जो कि ऊस्ट लुगा, ये एक रशिया में जगह है, वहाँ से स्टार्ट होगी और ग्रेफ्सवाल्ड जर्मनी में, ठीक है, वहाँ तक चलेगी। यह पूरी एक 55 क्यूबिक मीटर की गैस जो है वह प्रोवाइड करेगी। हाल ही में श्री विल्लू पुथुर मोगमलाई किस राज्य का 5वां बाघ अभयारण्य बन गया? ये एक टाइगर रिजर्व बन गया है, और ये उस स्टेट का, तमिलनाडु स्टेट का, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है, मतलब तमिलनाडु में ऑलरेडी 4 टाइगर रिजर्व हैं, तो ये 5वां टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, याद रखना, जिसका नाम है श्री विल्लू पुथुर मोगमलाई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक अभियान चलाया है, ठीक है, कैंपेन चलाया है, उसका नाम क्या है? सांस। इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सांस की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। ये कैंपेन इसलिए चलाया गया, इसका मेन एम ये है कि निमोनिया की वजह से जो मृत्यु होती है उनको कम करना या रोकना, ठीक है, रिड्यूस द डेथ रेट ड्यू टू द निमोनिया अमॉन्ग इन्फेंट्स स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो इन्फेंट्स के बीच में जो निमोनिया से रिलेटेड जो डेथ होती है उनको कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नजोजी ओकांजो इवेला, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है वह रिप्लेस करेंगी रॉबर्ट अजी बैटो को। यह नाइजेरियन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, निगोजी ओकोंजो इवेलिया, ठीक है, ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बनेंगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ये फर्स्ट वुमेन होंगी, और इसी के साथ साथ, ठीक है, यह फर्स्ट अफ्रीकन नेशन से, ठीक है, पहली पर्सन होंगी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बनेंगी। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, डेनमार्क सरकार ने हाल ही में हरी ऊर्जा पर स्विच करने के लिए अपने प्रयास को तहत निम्नलिखित में से किस समुद्र में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है नॉर्थ सी, ठीक है। रोहिणी कमीशन जो है समाचारों में है, ये रिलेटेड है अदर बैकवर्ड, ओबीसी से रिलेटेड, अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेकंड का आंसर है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप से रिलेटेड है, अगला बिल्कुल ठीक है बहरीन, और जो अगला है वो है उत्तराखंड, ठीक है, जहाँ पर बोटेनिकल गार्डन बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए रिविजन्स कि हाल ही में नई रोशनी योजना खबरों में है, यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसी के साथ 8 और 9 फरवरी के रिविजन्स क्वेश्चन आपके लिए, मांडू फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? यूनियन मिनिस्टर जो है एग्रीकल्चर के, वो सेटअप करेंगे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सोयाबीन पर गुजरात में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स लॉन्च करेगा डेटा एनालिटिकल ड्रिवेन MCA 21 वर्जन 3.0। जर्मनी बना रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट, आप इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू सो मच।